रूस यूक्रेन की जंग के बीच नाटो ने सबसे बड़े युद्ध अभ्यास का ऐलान किया है। नाटो के इस कदम से रूस के साथ महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ये अभ्यास खासकर रूस की सीमा से लगे देशों और नाटो के पूर्वी हिस्से के लिए महत्वपूर्ण है। युद्ध अभ्यास का नाम स्टेड फास्ट डिफेंडर रखा गया है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो अगले सप्ताह शीत युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि रूसी हमले से निपटने के लिए यह अभ्यास किया जाएगा। नाटो के शीर्ष कमांडर क्रिस काबोली ने कहा कि नाटो अपने अभ्यास से ये देखेगा कि कैसे वो अपने क्षेत्रीय रक्षा प्लान को हकीकत में ला सकता है। यह ऐसा प्लान है जो दशकों में पहली बार बनाया गया है। युद्ध अभ्यास स्टेड फास्ट डिफेंडर 2024 में नाटो के 90,000 सैनिक, 50 युद्धपोत, 80 फाइटर जेट, 1100 युद्धक वाहन, हेलीकॉप्टर और ड्रोन हिस्सा लेंगे। काबोली ने बताया कि युद्ध अभ्यास में 133 टैंक और 533 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भी अपना दम दिखाएंगे। काबोली ने बताया कि नाटो का उद्देश्य ये देखना है कि अगर रूस के साथ किसी बड़े युद्ध की स्थिति बनती है तो अमेरिकी सेना किस तरह से यूरोपीय सहयोगियों की मदद कर सकती है। नाटो ने भले ही अपनी घोषणा में रूस का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया हो, लेकिन रणनीतिकार बताते हैं कि रूस नाटो सदस्यों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा और सीधा खतरा है। काबोली ने अपने बयान में कहा कि स्टेड फास्ट डिफेंडर दिखाएगा कि नाटो किस तरह उत्तरी अमेरिका और अन्य सदस्य देशों से सुरक्षा बलों को जल्दी से यूरोप भेज सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और दूसरे नाटो देश अपने साथियों की जल्दी मदद करने का अभ्यास करेंगे। नाटो के अधिकारियों ने बैठक के बाद दिए बयान में किसी बड़े देश से लड़ने की आशंका जताई है। उन्होंने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा रूस की तरफ था। बता दें कि नाटो देशों ने शीत युद्ध के दौरान 1988 में आखिरी बार इतना बड़ा युद्ध अभ्यास किया था। इसमें 125,000 सैनिक शामिल थे। इसके बाद 2018 में भी ऐसा ही अभ्यास हुआ था जिसमें 50,000 सैनिकों ने भाग लिया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।